हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में एक मोस्टली स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम आती है, नॉमिनी लेयर सर्टिफिकेट नंबर कहाँ होती है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि फॉर्म फिलअप करते हैं IBPS की या अदर कोई भी, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। इसमें पूछा जाता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर है डालने के लिए बोला जाता है। जो नए बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म जो है, मतलब होता है, फॉर्म तो होती है हमारे पास लेकिन उसकी नंबर कौन सी होती है, क्योंकि जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होती है उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि ये इसका नंबर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस सिंपल तरीके से बताऊँगा कौन से नंबर आपको डालनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सिंपल तरीके से जानते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या होती है। एक तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाने वाला था लेकिन वो नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना। बट यहाँ पे आपको कौन सा नाम ढूंढना है और कौन सा नंबर होता है, तो यहाँ पे देखिए अपने जो सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा होगा आउटवर्ड नंबर, ठीक है, आउटवर्ड नंबर लिखा है और उसके आगे जो है 7 से 8 डिजिट का एक नंबर होगा। ये अलग अलग हो सकता है, 7 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 9 डिजिट का भी हो सकता है। तो आउटवर्ड नंबर जो आपका है अपने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आउटवर्ड नंबर आपको ढूंढ लेना है, जो कि ऊपर ही मिल जाएगा। एक तो डेट आपकी होगी, उसके नीचे ही आपका आउटवर्ड नंबर होगा, या फिर ऊपर जो है 4 अलग अलग बॉक्सेस या फिर अलग अलग ऑप्शन होंगे उसी में आपका आउटवर्ड नंबर होगा, ठीक है। तो आउटवर्ड नंबर आपको डालना होता है, 7 से 8 डिजिट का ये आउटवर्ड नंबर आपको देखने को मिल जाता है। जिन लोगों का नया यहाँ पे बना हुआ है उनका जो होता है वही ऊपर लिखा आता है कास्ट सर्टिफिकेट के जस्ट ऊपर ही लिखा आएगा। बेसिकली ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का बता रहा हूँ लेकिन नॉन क्रिमिनल में ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसी के ऊपर आउटवर्ड नंबर होता है, लगभग 7 से 7 तो नहीं लेकिन 9, 10, 11 या फिर 8 डिजिट का हो सकता है। कोई अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।